ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। बिहार में पुल और पुलिया गिरने का सिलसिला जारी है। राज्य भर में करीब एक दर्जन से अधिक पुल और पुलिया टूटकर गिर चुका है। इस पुल पुलिया टूटने में अब सत्ता पक्ष कहते हैं कि तेजस्वी के पास यह विभाग था। तेजस्वी जदयू पर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। अब इसमें दोषी कौन है? पथ निर्माण विभाग है या मुख्यमंत्री हैं या तेजस्वी यादव है, यह कहना मुश्किल है। लेकिन इस समस्या से जनता को रूबरू होना पड़ रहा है। देखिए किस तरह की अनियमितता इस पुल में बनाने में किया गया है, जो निर्माण के करीब एक साल बाद ही ढहकर बर्बाद हो जा रहा है। मोतिहारी में एक पुल का निर्माण हुआ था, उसका एक साल भी नहीं पूरा हुआ था, वो ढहकर बर्बाद हो गया। छपरा में इसी तरह की घटना हुई है। आखिर इसका दोषी कौन है? देखिए किस तरह से पुल टूटकर गिर चुका है। डेढ़ साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है, जब से उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल 6 तारीख को 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का कि जिम्मेदारी जिसके डेढ़ साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए।